हेलो एवरीवन, सो क्वेश्चन है सॉल्व फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे हमें रियल वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है ना। क्या आप 36 को ब्रेक कर सकते हो लाइक स्क्वायर एंड क्यूब में? तो अगर 36 को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हो 9 प्लस 27, है ना। 9 प्लस 27 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, और इस 9 को इधर ले आओ एंड 27 को भी आप इधर ले आओ, ठीक है। अब देखिए जरा, यहाँ से लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, इस 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर, एंड इस 27 को लिख सकते हो 3 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा होगा क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कंबाइन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर को कंबाइन कर लेंगे किसके साथ? 3 स्क्वायर के साथ, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे बनेगा एक्स क्यूब प्लस 3 क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको पता है, क्या पता है आपको? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। एंड अगर बात करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो ये क्या होता है? सो दिस इज ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है यहाँ तक, है ना। अब जरा देखिए, अब इसको आप ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा? सो दिस विल बी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 एंड माइनस, इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3 एंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिख सकते हो, एंड प्लस क्या हो जाएगा? 3x² हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। एंड फाइनली अब देखो, तो आप यहाँ से एक्स प्लस 3 कॉमन ले सकते हो। एक्स प्लस 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा इधर? एक्स माइनस 3, और इधर से क्या बचेगा देखना ज़रा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा एंड माइनस 3x² हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0, करेक्ट है यहाँ तक, ओके। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में चलें तो हमारे पास एक्स प्लस 3 तो ऑलरेडी कॉमन है। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखो आप, यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसके बाद ये 3x प्लस x कितना हो जाएगा? 4x, है ना। दिस इज गोइंग टू बी प्लस 4x, एंड देन माइनस 9 एंड माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 9 एंड प्लस 3 माइनस 12, माइनस 12, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगर माइनस कॉमन ले लेते हो तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक्स प्लस 3 0 हो जाए एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 0 हो जाए, ठीक है। यहाँ से तो आपको दिख रहा है कि x बराबर माइनस 3, है ना, x बराबर माइनस 3, आपका एक सॉल्यूशन यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। क्या यहाँ से आपको रियल वैल्यू मिल रहा है? क्या यहाँ से आपको रियल वैल्यू मिल रहा है? यहाँ पे प्लस 12 होगा। तो हमें एक चीज और पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या पता है हमें? कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तब आपको रियल रूट्स मिलेगा, एंड अगर डी लेस देन 0 होगा तो रियल रूट्स आपको नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? इमेजिनरी रूट्स। हमें इमेजिनरी रूट्स यहाँ पे नहीं फाइंड आउट करना। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या रहा है। तो अगर देखोगे, कंपेयर करोगे तो ए बराबर 1 है, बी बराबर -4 एंड सी बराबर 12 है, तो ऑब्वियसली बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा? सो बी स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ पे 16 एंड माइनस 14, 12 जा 48, जो कि आपको दिख रहा है लेस देन 0, यानी यहाँ पे आपका डी लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अगर आपको इमेजिनरी रूट्स फाइंड आउट करने के लिए बोलता तो आप फॉर्मूला जानते हो, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आप इमेजिनरी रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बट हमें केवल रियल रूट्स फाइंड आउट करना था, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 विल बी द सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू।